स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें आज हम एक नई जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, आज की जानकारी जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, 10th और 12th में जो रिजल्ट आया है उसमें कुछ बच्चे जो फेल हो गए थे उन्होंने रुक जाना नहीं योजना के तहत फॉर्म फिल किया था, जिसकी अंतिम दिनांक है 5 मई, जिसका फॉर्म फिल अभी हो रहा है। इसी के साथ अब उसका टाइम टेबल भी घोषित कर दिया गया है, जो कि ओपन बोर्ड की साइट पर ही आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन उसमें एक कन्फ्यूजन रहे है, उसको आप जरूर क्लियर कर लें। जैसे कि ये PDF है टाइम टेबल का, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल हाई स्कूल 10वीं प्रमाण पत्र परीक्षा, इसमें लिखा परंपरागत। परंपरागत का मतलब होता है जो नॉर्मली ओपन बोर्ड से डायरेक्टली एग्जाम देकर पास होते हैं, ये उनका टाइम टेबल दिया हुआ है जो स्टार्टिंग में दिया गया है। ये है 10th के लिए। जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 12वीं का दिया हुआ है, जो कि परंपरागत है, जो कि डायरेक्टली ओपन बोर्ड से ही पेपर देके करते हैं। अगर आप देखें कि आपका जो पेपर होने वाला वो कब होगा तो उसकी जानकारी हम देंगे, तो आप कंफ्यूजन ना रहे। जब थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ये है मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल रुक जाना नहीं योजना एवं आ लौट चले योजना के बारे में इसमें दिया गया है। हाई स्कूल 10वीं प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 में जो होने वाली है उसका टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप सभी को ज्ञात थे 21/5 से पेपर चालू होने वाले हैं, ये 10वीं का है, जो कि दिन रहेगा मंगलवार का। जो मंगलवार को हमारा पेपर है वो रहेगा हिंदी का। आगे अपन देखते हैं, इस तारीख बुधवार को आपका अंग्रेजी का पेपर रहेगा, इसके बाद 23 की छुट्टी रहेगी। 24/5/2024 को शुक्रवार विज्ञान का पेपर रहेगा। 25/5/2024 शनिवार को आपका मैथ का पेपर रहेगा। इसी के साथ हम और पेपर देखते हैं जो कि इसमें बताया गया है, 25/5/2024 की छुट्टी रहेगी क्योंकि संडे है। 27/5/2024 को सोमवार को समाज विज्ञान का आपका पेपर है। 28/5/2024 मंगलवार को आपका संस्कृत का पेपर रहेगा। साथ में इसमें आगे बताया गया है 29/5/2024 बुधवार को आपका उर्दू का है, जिन बच्चों का उर्दू सब्जेक्ट है वो उसका पेपर दे सकते हैं। इसी के साथ 30/5/2024 गुरुवार को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन होमवर्क आर्टिफिशियल NSQF जिसे कहते हैं उसका पेपर रहेगा। 31/5/शुक्रवार को आपको मराठी गुजराती जो अलग से लैंग्वेज है उनका पेपर रहेगा। इसी के साथ में पेंटिंग का भी, गायन वादन तबला कंप्यूटर आदि का पेपर रहेगा। यह है 10th वालों के लिए। इसी के साथ हम 12th वालों का देखते हैं। 12th का जो पेपर होने वाला है 2024 का, और जो समय सारणी है 12th की 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी, और 10th की जो हमारे रहेगा 2 बजे से स्टार्ट होगा, जो कि 5 बजे तक इनका पेपर रहेगा, मतलब दिन का पेपर है। अब हम 12th के बारे में जानकारी प्राप्त करें जिनका पेपर है। इनका पेपर 20/5/2024 से स्टार्ट हो जाएगा सोमवार को। अब इसमें जो पेपर दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप नोट भी कर सकते हैं। फिजिक्स का है, अर्थशास्त्र है, एनिमल का है, अलग अलग भारतीय कला इतिहास का है, विज्ञान के तत्व हैं, अलग अलग अपने सब्जेक्ट अनुसार आप देख सकते हैं। 20 तारीख को ये पेपर रहेगा। साथ में फिर नेक्स्ट रहेगा 21/5/2024 को मंगलवार को, तो इस दिन है आपका समाजशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र, कृषि, मानविकी, बुक कीपिंग, होम साइंस, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग आदि का पेपर इसमें दिया गया है, जो कि 21 तारीख को है। 22 को जो आपका पेपर होने वाला है 22/5/2024 को पेपर बुधवार को होगा, जो कि होगा रसायन, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, साइंस, मैथमेटिक्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, गृह प्रबंध, पोषण, वस्त्र विज्ञान आदि का पेपर आपका रहेगा। 24/5/2024 शुक्रवार को आपका गणित का, राजनीति शास्त्र का पेपर रहेगा।
आगे इसने बताया गया 25/5 शनिवार को बायोलॉजी का पेपर है अकेला, 27/5 सोमवार को हिंदी वोकेशनल छात्रों सहित इनका ही पेपर रहेगा, 28/5 मंगलवार को अंग्रेजी रहेगा, वोकेशनल के छात्र भी शामिल रहेंगे। इसके आगे दिया हुआ है 29/5 बुधवार को आपको भूगोल, क्रॉप प्रोडक्शन, स्टिल लाइफ, एग्रीकल्चर का पेपर है, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान व स्वास्थ्य आदि के बारे में रहेगा। 30/5 गुरुवार को इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस का रहेगा। 31/5/24 शुक्रवार को आपको उर्दू मराठी का रहेगा। 1/6 को शनिवार संस्कृत का पेपर दिया गया है। 6/6/24 गुरुवार को NSFQ के जो सब्जेक्ट हैं उसका पेपर है। 7/6/24 को बायोटेक्नोलॉजी, गायन वादन, मनोविज्ञानिक, तबला आदि का पेपर रहेगा। तो ये है 12th वालों के लिए। आपको जो इन्फॉर्मेशन है जो हम कुछ जरूरी देखने की है नोट की आप देख सकते हैं, उसमें दिया गया है पहले नंबर पे परीक्षार्थी एवं अन्य सर्व संबंधित इस कार्यक्रम में कृपया भली भांति नोट कर लें। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रम अनुसार संपन्न होगी। कोई छुट्टी अगर लागू होती भी है तो भी जो डेट आपको बताई गई है उसके अनुसार ही आपका पेपर होगा। आगे बताया गया है जो परीक्षार्थी प्रायोगिक विषय में अनुत्तीर्ण रहा है, प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल होता है उसमें अगर फेल हुआ है तो उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही आयोजित की जाएंगी। तिथि एवं समय ज्ञात करने के लिए संबंधित परीक्षा केंद्र से परीक्षा अवधि में परीक्षार्थी सतत संपर्क बनाए रखें। जहां पर आपका सेंटर आएगा वहां के जो टीचर लोग रहेंगे उनसे आपको जानकारी लेनी है कि हमारा प्रैक्टिकल कब होगा, अगर आप प्रैक्टिकल में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो। वैसे आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, सबका नहीं होगा, जो प्रैक्टिकल में फेल हुआ बस उन्हीं का होगा। आगे इसमें दिया गया परीक्षा केंद्र समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में 7:30 पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रातः 7:45 के पश्चात किसी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो कृपया टाइम से पहुंचे। आगे इसमें बताया गया है परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व उत्तर पुस्तिका एवं 5 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र प्रदान किए जाएंगे। आगे इसमें बताया जा रहा है 6 नंबर आवश्यक होने और परीक्षा की तिथि और समय परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी सूचना मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड भोपाल की वेबसाइट, ये वेबसाइट आप नोट कर लें, यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल ऐप MPSOS दिया हुआ परीक्षा केंद्र तथा मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड भोपाल कार्यालय में भी उपलब्ध रहेगी। आगे इसमें बताया गया है 7 नंबर पर उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित किसी प्रकार की कोई पूछताछ, सुझाव या शिकायत हमारे ईमेल एड्रेस आदि पर दे सकते हैं। तो नॉर्मल बात इसमें बताई गई है जो कि आपके काम की भी है। तो इस प्रकार ये हमारा 12th का और इसी के साथ हमारा 10th का टाइम टेबल दिया गया है, रुक जाना नहीं आदि के बारे में। ये रुक जाना नहीं और अलर्ट चले योजना के तहत जिन बच्चों ने अभी फॉर्म फिल किया है या कर रहे हैं उनकी परीक्षा मई जून में जो होने वाली है उसके बारे में दिया गया है। उम्मीद है जानकारी यहाँ तक समझ में आई होगी। इसी के साथ में ऊपर इसमें ये वाला परंपरागत वाले का भी रोल नंबर दिया गया है, अगर आपको इसकी भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।